मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ कल के लिए, मतलब 9 मार्च 2020 के लिए, 9 मार्च 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का वाई लेवल सेल लेवल दिखाऊंगा। उसके बाद 100 डे ईएमए स्ट्रेटजी इनसाइड द बार NF4 NS7 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ये सब दिखाऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस का, तो वो भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सिस्टम है, स्ट्रेटजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, इसमें क्या क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल करके आप लोग स्टॉक मार्केट से आसानी से प्रॉफिट कर सकते हैं, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये इसको कैसे स्क्रीनिंग करना है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसमें क्या क्या है, ये सब वीडियोज भी आप लोग देख लीजिए। तो ये देखिए, ये इसको इसमें क्या क्या है, ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसमें मैं तीन और मैंने आप लोग जिसमें एलिस प्रो एंजल बुकिंग स्टॉक्स स्टार्टेड, इसमें आप लोग कोई भी करना चाहता है तो मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए इसमें 22 सेल लेवल, तीनों सेटअप 22 लेवल सेल लेवल रहता है। मैंने फर्स्ट सेटअप पहले देखता हूँ, ये वाई का एंट्री लेवल फर्स्ट सेटअप वाई लेवल सेल लेवल वन में, वाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ रहता है और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ रहता है, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ रहता है। और सेल का भी ऐसा है, ये टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ रहता है। और गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है, मार्केट ओपन होने के बाद कौन से लेवल पे है वो आप लोग को देखने देख लेना है, उसके हिसाब से आप लोग को पोजीशन लेना है। आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने चार्ट में समझाया कैसे अगला दिन का फाइल लेके मैंने समझाया कैसे इसमें एंट्री लेना है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप लोग इस्तेमाल करके प्रॉफिट आसानी से कमा सकता है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर कुछ दिन पूरा फाइल देख सकता है। और इसमें देखिए आप लोग को कुछ क्वेरीज है, एक्सप्लेन है, आप लोग मेरे को पूछ सकता है, मेरा खुशी होगा आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये बाइसल लेवल थ्री है R1, और इसमें पिवट पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकता है, इसका पिवट पॉइंट, इसका बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, इसमें क्लाउड टिडल लेवल। और भी मैंने दो नया सेटअप बाई लेवल सेल लेवल बना हूँ, उसको भी आप लोग नोट करिए। इसमें देखिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें ये एंट्री लेवल बन जाएगा, ये आप लोग को एंट्री लेवल बन जाएगा, ठीक है। ये एंट्री लेवल बनेगा और ये सब उसके बाद ये टारगेट बनेगा, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है, इसको नोट कर सकता है। ये वाला R1 ये भी फर्स्ट एंट्री लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट लेवल आएगा, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाय सेल लेवल आप लोग नोट कर सकता है। मैंने ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी का जब दिखाया था तब एक लेवल दिया था, इसमें आप लोग को मॉनिटर करने का, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने का आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा। यह वैसे लेवल थ्री, इसका पिवट पर नोट कर सकता है, इसका प्राइस चैनल, बोलिंजर बैंड, टिडल लेवल, ये सभी एक मतलब एंट्री लेवल होगा। इसके बाद ये भी आप लोग, इस मैंने जो नया सेटअप बाई लेवल सेल लेवल बना इसको भी यूज कर सकता है, इसका वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकता है। आज ये एक सेट गया और ये एक सेट है R1 से R10 और S1 से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये भी आप लोग नोट कर सकता है। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाएगा उसको मेरा चार्ट का थ्रू में एनालिसिस और भी कुछ एनालिसिस मेरा रहता है, ये मैंने कमोडिटी का दिखाता हूँ, कमोडिटी का और भी कुछ कैलकुलेशन, इसके चीज़ छोड़ के और भी कुछ कैलकुलेशन मेरे पास रहता है, उसका भी सबसे भी मैंने कॉज देता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरा कॉज कुछ दिन के ऑब्जर्व कर सकता है।
ये एक सेट गया, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट्स का लेवल है, इसका हिसाब से आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। और फ्यूचर्स का कुछ लेवल दिखा देता हूँ, ये दोनों छोड़ के भी आप लोग को मेरा इधर से मैंने ऑप्शन वैल्यू का भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसके अलावा देखिए मैंने कुछ भी इधर से और भी दो तरीके से मैंने कैलकुलेट कर सकता हूँ। इधर देखिए, इधर ये तो मैंने अविष्कार गंगल कैलकुलेशन है, एक्चुअली ये इतिहास मुरे का जो है उनका कैलकुलेशन, उसका लिए सबसे कैलकुलेशन है। इसके बाद और मेरा इधर भी आप लोग को मिलेगा, इधर से वैल्यू बैठूंगा तो कुछ भी वैल्यू बैठा दूंगा तो इसका लेवल आ जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको देख सकते हैं। एनीवे इसके बाद मैंने और भी 100 डे इन्वेस्ट स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। 100 डे इन्वेस्ट स्ट्रेटजी आंदर दी एंड ए जो जी जिस कैंडल को 100 डे में कट किया है उसको आप लोग को इसका हाई लो जब नेक्स्ट दिन तोड़ेगा तो आप लोग को मिलेगा। उसके बाद कैडिला हेल्थ, IGL, इन्फी, JSW, फूड, ये सब मैंने देखा दिया। अच्छा, इसमें और भी एक चीज़ दिखाना है कि गापी मूविंग एवरेज क्या है। ये देखिए शॉर्ट, ये ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और ये ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ये इसका एवरेज शॉर्ट टर्म और एवरेज लॉन्ग टर्म। इसमें जो जो स्टॉक्स आप में है उसमें उसको अप ट्रेंड में जाएगा, जो जो नीचे है वो डाउन ट्रेंड में आप लोग एंट्री लेने का लेवल देख के एंट्री ले सकता है। और उसके बाद मैंने इनसाइड द वॉर, मैंने चार्ट में नहीं दिखाता हूँ, चार्ट में बहुत बार दिखाता हूँ, आप लोग पिछले वाला वीडियोज़ भी देख सकते हैं, चार्ट में देखा था कि टाइम चला जाता है, तो इसमें आप लोग भी खुद चेक कर सकते हैं जिस जिस दिखा हो। आप लोग 100 डे में काट के 100 डे मूविंग एवरेज काट किया गया है कि नहीं किया है आप लोग देख सकते हैं। इधर NR4 NR7 बना है अपोलो हॉस्पिटल में, इधर बाटा इंडिया में NR4 NR7 बना है, इधर टुडे का इंसर्ट भारतीया टुडे बाजी लिमिटेड टाइम है तो ज़्यादा नहीं दिखा पाता हूँ, इसलिए चैट में टाइम वेस्ट होता है, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। इधर सेकआउट में लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक पैटर्न इसका, उसके बाद लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ भी निकला नहीं है, ठीक है। इसमें 50-50 ये सब आप लोग को, आप लोग इसमें जब देखेंगे तो ये देखिए बुलिश रिवर्सल होना है, मतलब मार्केट डाउन आएगा उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना, बुलिश बजाज ऑटो में बना है, ये सब आप लोग कुछ चेक कर सकता है। और इधर देखिए बिहारी सारामी ट्रांगुलर पैटर्न ब्रेकआउट, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें हेड एंड शोल्डर एक बना है पेज इंडस्ट्रीज में, और इधर देखे इतना सारा गैप आउट बना, बुलिश अबंडेंट वे भी मतलब गैप डाउन, गैप डाउन आप लोग इधर को चेक कर सकते हैं, ये हुआ था कि नहीं हुआ था, तो ये सब चीज़ें तो आप लोग को अच्छे प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। और भी कुछ दिन का हिसाब से बना है, फिबोनाची का लेवल 7 दिन का हिसाब से, 5 दिन का हिसाब से, 3 दिन का हिसाब से, 2 दिन का हिसाब से, 1 दिन का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से और 1 ईयर का हिसाब से, तो आप लोग इसमें स्क्रीनिंग भी कॉल ले सकता है। और जिसमें जब देखिए जब आप लोग को पता है कुछ या 30 डेज या 1 ईयर का लेवल जब तोड़ता है तो अच्छा मिलता ही है, मिलता ही रहता है, तो इसलिए ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकता है। मेरा फिबोनाची स्ट्रेटजी वाला एक वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, इसे फाइल इस्तेमाल करके वो कैसे आप लोग कर सकता है। इधर CPR का भी मैंने किया है, वो भी आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए। और इधर मैंने बैंक निफ्टी का भी 1 डे का हिसाब से फिबोनाची का लेवल